वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर पीएम ने की पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी ने किया गंगा पूजन। पीएम मोदी ने मां गंगा का दूध से अभिषेक किया, नामांकन से पहले पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने की गंगा की आरती, मां गंगा की परिक्रमा भी की, नामांकन करने से पहले पीएम मोदी ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया। नामांकन दाखिल करने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया, कहा काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत, अभिन्न और अप्रतिम, इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पीएम के नामांकन में शामिल होंगे चार प्रस्तावक, पहले प्रस्तावक पंडित गणेश्वर शास्त्री, दूसरे प्रस्तावक बैजनाथ पटेल, तीसरे का नाम लालचंद कुशवाहा और चौथे प्रस्तावक संजय सोनकर होंगे। वाराणसी के काल भैरव मंदिर पहुंचे सीएम योगी, पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। वाराणसी में सीएम योगी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, सीएम योगी ने जेपी नड्डा का किया अभिवादन। आज यूपी और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे प्रचार, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की अपील पर आज सुनवाई, 7 साल की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का निधन, लंबे समय से चल रहे थे कैंसर से पीड़ित, परिवार में पसरा मातम का माहौल। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुशील कुमार मोदी के निधन पर जताया दुख, कहा बीजेपी परिवार और संगठन के लिए यह अपूर्णीय क्षति। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने दुख जताया, कहा सुशील मोदी का निधन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। सुशील मोदी के निधन पर चिराग पासवान ने भी जताया दुख, कहा हमने सोचा भी नहीं था कि अचानक इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। हिमाचल के मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत आज भरेंगे अपना नामांकन, पर्चा भरने से पहले कंगना करेंगे रोड शो, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहेंगे। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर कश्मीर के अनंतनाग, शोपिया और कुलगाम में एसआईए की छापेमारी, टेरर फंडिंग मामले में टीम कर रही कार्रवाई, कश्मीर के कई और इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन जारी। दक्षिण कश्मीर में एसआईए ने छापेमारी की, टेरर फंडिंग मामले में टीम कर रही है छापेमारी, कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, नियंत्रण रेखा पर एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा, पकड़े गए शख्स से पूछताछ जारी। और दरकजुआ में स्थानीय नागरिकों ने 4 संदिग्ध आतंकवादियों को देखने की कही बात, सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया, ड्रोन के जरिए तलाशी ली जा रही है। रजौरी में भारतीय सेना ने की नेक पहल, पहाड़ी इलाकों में गरीब लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और सीधे आपके लिए ये स्पेशल प्रसारण ला रहे हैं वाराणसी शहर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज नामांकन है। आपको अलग अलग तस्वीरें रिपब्लिक भारत का कैमरा दिखा रहा है। प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पहुंचे, पूजा की, मां गंगा का आशीर्वाद लेकर अब वो क्रूज के जरिए नमो घाट पहुंच रहे हैं। काल भैरव का आशीर्वाद लेंगे, काशी के कोतवाल के आशीर्वाद के बिना काशी में कैसा एक सुखद अनुभव हो सकता है किसी का भी, और प्रधानमंत्री ने इसे कई बार दिखाया भी है। उसके बाद कलेक्ट्रेट दफ्तर पर पहुंचेंगे जहां प्रधानमंत्री का नामांकन है। मैं आपको जरा बताऊं कि देखिए अभी से लोग जुटना शुरू हो गए हैं, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए मुकेश जी कि कैसे यहां कलेक्ट्रेट दफ्तर में, और ये जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री का काफिला यहां आएगा तो लोगों को थोड़ा सा हटाया जाएगा। ये मुख्य द्वार है कलेक्ट्रेट दफ्तर का, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन होना है। मैं जरा लोगों से पूछती हूं, इतनी भरी गर्मी में मैम आप लोग आए हैं, आज प्रधानमंत्री जी का नामांकन है तो वो सोच कर आए? जी नहीं, ये तो हमारा रोज का काम है, हमारी कचहरी है और हम यहाँ पे न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो हमारा प्रतिदिन का ये काम है, इसके लिए तो हम आए ही हैं। और साथ में उत्साहित भी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज नामांकन है, इसके लिए हमने खास विशेष तैयारियां कर रखा है। और सभी अधिवक्ता आज एक तरह से नो एडवर्स और बायकॉट का है, और उनके लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, धूप में, धूप के बिना परवाह किए उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। एक बार मैं बोलना चाहूंगी, स्वागत है भाई, स्वागत है विश्वनाथ की नगरी में, मोदी जी का स्वागत है। पार्वती पतन हर हर महादेव।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो घाट पर पहुंच गए। प्रियंका हमारे साथ है, सीधे प्रियंका के पास जा रहे हैं। प्रियंका जरा तस्वीरें दिखाइए नमो घाट से। बिल्कुल, देखिए रिपब्लिक भारत के दर्शकों को अब हम उस क्रूज की तस्वीर दिखाएंगे जो मेरे दाई तरफ है, और यहाँ पर देखिए क्रूज निकल रहा है, इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं। थोड़ा जूम इन करके हम तस्वीरें दिखाएंगे। क्रूज आगे चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो ब्रिज है वहां से अभी रेलगाड़ी और बाकी जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां पे जो और बाकी जो वाहन चलते हैं सबकी आवाजाही को रोक दिया गया है। क्रूज चल रहा है, लेकिन इस घाट के किनारे अगर हम देखें लगातार मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। जितने नाविक हैं वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, लेकिन आप देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ ये क्रूज, और ऐसे में यहाँ पे सन्नाटा इसलिए भी पसरा हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी के चलते सभी आवाजाही को यहाँ पर रोक दिया गया है। इसी क्रूज के माध्यम से आपको बता दें यहाँ रुकेंगे नमो घाट 5 मिनट, यहाँ पर रुकने की जानकारी हमें मिल रही है, और उसके बाद सीधा पहुंचेंगे यहाँ से काल भैरव के मंदिर। काल भैरव जिसे काशी विश्वनाथ का कोतवाल कहा जाता है, उसके बाद नामांकन दाखिल करेंगे। थोड़ा सा पूरा जो शेड्यूल है उसमें डिले हुआ है 15 से 20 मिनट का, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ये बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं। रिपब्लिक भारत के कैमरे पर आप देख रहे हैं क्रूज जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं सवार। इससे थोड़ी देर पहले उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की है। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज अगर हिंदू पंचांग की हम बात करें तो गंगा सप्तमी की एक तिथि है, एक विशेष मायने रखता है ये दिन और ये मुहूर्त। उसमें पीएम मोदी ने गंगा की पूजा की है, आरती की है, और लगातार पीएम मोदी बार बार कहते हैं कि मैं यहां नहीं आया हूं, यहां वो खुद नहीं आए बल्कि मां गंगा ने पीएम मोदी को बुलाया है, और अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि मां गंगा ने पीएम मोदी को गोद ले लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये नमो घाट जहां पर दूर दराज से लोग आते हैं, तस्वीरें क्लिक करके जाते हैं क्योंकि सेल्फी पॉइंट भी है जगह जगह। यहां पर देखिए एकदम साफ सफाई आपको दिख जाएगी, नाव दिख जाएगी, लेकिन पीएम मोदी का जो क्रूज आगे बढ़ रहा है उसने इस जगह में और 4 चांद लगा दिए हैं, क्योंकि इस जगह का जो पूरा एकदम जीर्णोद्धार किया है, जो कायाकल्प किया है, जो आप बीच में आ जाएंगे तो खराब हो जाएगा, हमारी सुबह से पूरी झाड़ी खत्म। आपकी बात समझ रहे हैं, आप लोग भी हमारी बात समझे। तो बिल्कुल तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे और उनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से वो सभी आप कलेक्ट्रेट दफ्तर के भीतर यहाँ पर जा चुके हैं। आपको जिस तरीके से हमने बताया था कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ एनडीए के तमाम जो साथी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, और उनकी तस्वीर आपने देखी और आप सभी भीतर जा चुके हैं, जिसमें जो मुख्यतः तस्वीर हमने देखी प्रफुल्ल पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, हरदीप पुरी, जयंत चौधरी, ये वो तमाम नेता, रामदास अठावले की भी तस्वीर थी। ये सभी एनडीए के लीडर्स हैं जो समय दाखिल हो चुके हैं कलेक्ट्रेट दफ्तर के अंदर, और इसी के साथ में अब आपको बता दें कि 12 राज्यों के जो सीएम हैं वो भी यहां पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो घाट पर पहुंचे, वहां की तस्वीर आपने देखी, लेकिन उसके बाद काल भैरव मंदिर दर्शन करने के बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नामांकन के लिए यहां पर आएंगे। जैसा लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी का एक तरीके से यह शक्ति प्रदर्शन भी यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी